Most of the times, reading gets us trapped in A. understanding the content, B. understanding the ideas or knowledge, C. understanding the grammar and composition. And most often we are done by grammar and composition. तो इसीलिए हम आज के editorial को grammatical and compositional perspective से पढ़ेंगे. Let's get started. Title है आज के editorial की climate devastation. Devastation noun है जिसका मतलब है तबाही या नुकसान. क्लाइमेट साइंटिस्ट इस हैड बिन वार्निंग अस फॉर डिकेड्स. साइंसदान हमें पिछले डिकेड से वार्न कर चुके थे. किस चीज़ के बारे में वो तो अलग हम डिस्कस करेंगे. हैड बिन देखें, यहाँ पे हैड परफेक्ट की टेंस होती है. हैड बिन पास्ट परफेक्ट होता है कंटिन्यूस अगर वर्ब इनके फॉर्म में है साथ में तो. और दूसरा फार यहाँ पे आया हुआ है. प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हों या सिंपल परफेक्ट्स हों, इनमें सिंस और फार का यूज़ आपको परेशान कर सकता है. देखिए यहाँ पे इन्होंने फार को यूज़ किया हुआ है, सिंस को नहीं, क्योंकि फार के बाद थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ. ग्रामर का रूल है कि अगर कोई नाउन आ रहा है वो प्लूरल है तो आप फार यूज़ करें टेंसेस में. ठीक है, जैसे यहाँ पर डिकेड है, डिकेड्स हैं, ऐसा होता ईयर्स होता, सेंचुरीज होता, डिकेड्स होता, तो फार यूज़ करेंगे. अगर सिंस होता तो यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर एक डिकेड को मेंशन किया जाता. सिंस अ डिकेड, सिंस अ ईयर, सिंस अ डिकेड, सिंस अ सेंचुरी, साइंटिस्ट हैड बीन वार्निंग अस सिंस अ डिकेड, सिंस अ लास्ट डिकेड, ये ठीक हो जाता. फार डिकेड, यहाँ पे डिकेड्स प्लूरल है तो इसीलिए फार है. अब डेट के बाद दूसरी क्लास है. हमेशा याद रखें डेट आपका सबॉर्डिनेट कंजंक्शन भी हो सकता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है. दोनों केसेस में डेट का यूज़ अलग अलग होता है. जहाँ पे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन होता है डेट, वहाँ पे दो क्लासेस को कनेक्ट करता है. देखें एक क्लास डेट से पहले ये है क्योंकि साइंटिस्ट इस यहाँ पे सब्जेक्ट है, वार्निंग यहाँ पे वर्ब है. दूसरी क्लास में डेट के बाद द इन्वायरमेंट हैज़ बिन चेंजिंग फॉर द वर्स. इन्वायरमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है और चेंजिंग यहाँ पे वर्ब है. एक क्लास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में थी, दूसरी क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है क्योंकि हैज़ बिन है और इधर हैड बिन है. और आप एक थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि सर आपने फार के बाद बताया कि प्लूरल हो नाउन तो हम फार यूज़ करेंगे, तो वर्स यहाँ पे तो सिंगुलर है, फिर हमने फार क्यों यूज़ किए, टेंसेस भी यही मैंने बताए. देखें वर्स आपका नाउन नहीं है, वर्स आपका एडजेक्टिव है, बेड की कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. वर्स सुपरलेटिव एडजेक्टिव इसकी होती है वर्स्ट. तो फार के बाद एडजेक्टिव है तो नो इशू, आप फार यूज़ करें, सिंस यूज़ करें. फार बेहतर होता है एडजेक्टिव से यूज़ करने के लिए. येट वी हार्डली पेड देम एनी हीड. हीड का मतलब है पर्टिकुलर तवज्जो या डायरेक्शन, सीरियसनेस. अब देखें येट भी एक कंजंक्शन है, कॉमा के साथ मोस्ट ऑफन यूज़ होता है. हार्डली आपका एडवर्ब है. येट वी हार्डली पेड देम एनी हीड. जो साइंटिस्ट हमें वार्न कर चुके थे क्लाइमेट चेंज के बारे में, वो हमारी इन्वायरमेंट को और भी ज़्यादा ख़राब कर चुकी हैं और ये इस पे हम कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं दे रहे. तीन क्लासेस हैं, तीनों क्लासेस में अलग अलग टेंसेस हैं. एक का तो मैंने आपको बताया, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, तीसरा आपका सिंपल पास्ट है. वी हार्डली पेड देम एनी हीड. However, as another destructive monsoon season has now made clear. However, आपका आपको पता है कंजंक्टिव एडवर्ब है. As another destructive monsoon season has now made clear. Has perfect की टेंस है और made यहाँ पर देखें थर्ड फॉर्म है इसके साथ, पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है इसको क्योंकि पास्ट की टेंस में यूज हुई है. डिस्ट्रक्टिव तबाही वाले जो मानसून सीज़न आई है, इसने अब साफ जाहिर कर लिया है कि क्लाइमेट चेंज कैन नॉट कंटिन्यू टू बी टेकन लाइटली एंड विल नीड अर्जेंट पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस टू काउंटर द डिवास्टेशन चेंजिंग वेदर पैटर्न्स आर लीविंग इन देयर वेक. अब देखें कैन नॉट को हम अगर थोड़ा सा डिस्कस करें, एक आपने मोस्ट ऑफ इन ग्रामर की बुक्स में, ग्रामर्स में कैन नॉट ऐसे ही पढ़ा होगा, इनमें स्पेस नहीं होती है, एक ही वर्ड है. अगर कैन नॉट को हम स्पेस के साथ लिखें, कैन और छोटा सा स्पेस दें कि कैन नॉट हो जाए, तो फिर उस केस में हमें दो क्लासेस यूज़ करनी पड़ेंगी, कैन प्लस नॉट. एक क्लास इसके साथ होगी
दूसरा क्योंकि हमने कैन के साथ नॉट स्पेस में यूज़ कर ली, तो स्पेस देके वो क्लास कंप्लीट करवा के दूसरा क्लास हम लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि वी कैन नॉट ओनली बिल्ड द हाउस, वी कैन आल्सो सेल इट फॉर प्रॉफिट, क्योंकि हमने नॉट ओनली यूज़ किया तो बट आल्सो या आल्सो के साथ ये पेयर्ड कंजंक्शन में काम करता है। अगर हम इसको इसी तरह कैन नॉट को बग़ैर स्पेस के लिखेंगे तो साफ है कि इट इज़ निगेटिव सेंटेंस, द क्लास विल ओनली बी वन और अ सिंगल। जैसे मैं कहूँ कि आई कैन नॉट बिलीव यू। देखें, क्लाइमेट चेंज कैन नॉट कंटिन्यू टू बी टेकन लाइटली। अब इस तरह टू बी टेकन लाइटली, इस तरह की कंडीशंस ये पैसिव में आपको ऑफन नज़र आती हैं। विल नीड, ये फ्यूचर की टेंस है। अर्जेंट पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस, क्लाइमेट चेंज है जो कंटिन्यूसली तबाही दे रहा है, इसको पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस, ज़्यादा गौर फिक्र और अच्छी पॉलिसी देनी है टू काउंटर द डिवास्टेशन। चेंजिंग वेदर पैटर्न्स आर लिविंग इन द वेक, आर लिविंग, देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस की टेंस है। थोड़ा सा देखें, ऊपर एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की टेंस है और नीचे एक प्रेजेंट कंटिन्यूस की टेंस है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। कभी अलग वीडियो में इनके ऊपर डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ वर्ब्स के साथ। एपोकैलिप्टिक सीन्स फ्राम दोज प्लेसेस अक्रॉस पाकिस्तान दैट्स अ अनसीजनेबली हाई रेनफॉल दिस समर मस्ट सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर बोथ गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। देखें, एपोकैलिप्टिक सीन्स कहा जाता है कुदरती इल्हाम या होली रेवलेशंस अक्रॉस पाकिस्तान, ये एक कम्प्लीट फ्रेज़ है। दैट यहाँ पे थोड़ा सा आपको दैट अगेन देखना है। मैंने आपको बताया ना कि दैट आपका सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस भी हो सकता है और आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। दैट इन केस, देखें दैट के बाद एनवायरनमेंट हैज़ बिन, यानी सब्जेक्ट दैट के बाद अगर सब्जेक्ट हो आपके क्लास में तो दैट क्लियर है, वहाँ पे आपका सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर दैट के बाद डायरेक्टली आपको वर्ब मिले, जैसे दैट सा अनसीजनेबली हाई रेनफॉल, मोस्ट ऑफन इस तरह के केसेस में दैट यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। मस्ट सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर बोथ गवर्नमेंट, बोथ के बाद आपको वो क्लियर नाउंस देने हैं जो आप मेंशन कर रहे हैं, बोथ भी आपका प्रोनाउन है, तो गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स एग्जीक्यूटिव हों या उनको गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाले हों, उनको काम करने की ज़रूरत है। विच इज़ टास्क विथ मॉनिटरिंग the execution of government's policies on the ground, which is tasked with monitoring. अब ये एक पैसिव की कंडीशन है क्योंकि इस MR के साथ हमने कभी भी किसी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं देखी हुई। बट जब हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की हम पैसिव करते हैं तो वहाँ पर हम इस MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफन गवर्नमेंट्स पॉलिसीज ऑन द ग्राउंड आर नॉट द रियलिस्टिक्स। कंटिन्यूड निगलेक्ट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस एंड अनटोल्ड सफरिंग एज वी हैव सीन दिस ईयर विद द अनबैटल्ड लॉस ऑफ लाइफ डिसरप्शंस कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखें, एंड अगेन, एंड को हमने डिटेल में कभी डिस्कस नहीं किया है, बट एंड आपका दो नाउंस प्रोनाउंस कंजंक्शन एड आपका, और मोस्ट ऑफन दो नाउंस दो प्रोनाउंस दो क्लासेस को ये कनेक्ट करवाता है। एज वी हैव सीन, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, विद द अनबैटल्ड लॉस ऑफ लाइफ डिसरप्शंस कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर।